जय हिंद क्लास 9 स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर क्लास। सो आई होप यू हैव टू डन गुड इन योर एग्जाम, सो एंड ऑल ऑफ यू गॉट द गुड मार्क्स। सो नाउ इट फ्रॉम टुडे वी स्टार्ट विद अवर नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। नाउ फ्रॉम द बिगनिंग यू नो व्हाट आर एटम्स, व्हाट आर मॉलिक्यूल्स। आप पिछले चैप्टर में भी थोड़ा बहुत आपने जस्ट पढ़ा है मिक्सचर्स के बारे में, प्योर सब्सटेंसेस के बारे में, ठीक है। मिक्सचर्स क्या फॉर्म करते हैं, एलिमेंट्स क्या होते हैं। अब अगर हम सिंपली बात करें एलिमेंट्स की, एलिमेंट कोई भी एलिमेंट बात कर लें, चाहे कॉपर की बात कर लें, चाहे निकल की बात कर लें, आयरन की बात कर लें। अब एलिमेंट क्या है, इट इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ मैटर। अब मैटर की कितनी फॉर्म्स होती है, इट में भी सॉलिड, लिक्विड, गैस, कुछ भी हो सकती है, ठीक है। और एलिमेंट्स जो हमारे हैं, मेटल, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स, ये जो इनकी जो आगे क्लासिफिकेशन हो रखी है, ये मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स ही कहीं ना कहीं सॉलिड, लिक्विड और गैसियस स्टेट को डिफाइन करते हैं। क्योंकि मेटल्स के अंदर भी कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं, जो लिक्विड फॉर्म में मेटल एग्जिस्ट कर सकती हैं। नॉन मेटल्स में भी कुछ एक्सेप्शनल केस हैं जो लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकती हैं नॉन मेटल, ठीक है। अगर आपको याद हो या आपने पहले पढ़ा हो कि कैन एनीवन टेल मी दैट मेटल विच इज इन अ लिक्विड फॉर्म एंड नॉन मेटल इन द लिक्विड फॉर्म। आई थिंक यू हैव ऑल्सो स्टडीड योर क्लास 8, हैव यू रिमेंबर। सो मेटल विच एग्जिस्ट इन द लिक्विड फॉर्म, दैट इज योर मर्करी, HG से हम डोनेट करते हैं मर्क्यूरी, एंड द नॉन मेटल विच एग्जिस्ट इन लिक्विड फॉर्म, दैट इज ब्रोमीन, राइट। सो अब ये जो एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स बिकॉज इट इज अ फॉर्म ऑफ अ मैटर, सो यू नो दैट मैटर हैव और मैटर कंसिस्ट ऑफ वेरी वेरी स्मॉल पार्टिकल्स, जिसे हम क्या बोलते हैं, एटम्स, ठीक है। तो सारे मैटर, चाहे वो सॉलिड, लिक्विड या गैस, कोई भी फॉर्म ऑफ मैटर हो, इट कॉन्स्टिट्यूट ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स विच इज नोन एज द एटम्स। नाउ एटम्स आर, यू कैन से दे आर द बेसिक यूनिट ऑफ द मैटर, सेम लाइक एज यू स्टडीड इन योर बायो, बायो में आप पढ़ते हो ना, देर इज अ सेल, व्हेन सेल कॉन्स्टिट्यूट दे फॉर्म टिश्यू, टिश्यू फॉर्म द ऑर्गन एंड ऑर्गन फॉर्म द ऑर्गन सिस्टम, ऐसे ही होता है ना। सेम केमिस्ट्री में भी क्या है, एटम, जैसे सेल क्या है, स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है, इट इज अ स्ट्रक्चरल यूनिट, बेसिक यूनिट है लाइफ का, ठीक है। अब छोटे छोटे सेल्स जब कंबाइन करते हैं तो वो क्या बना रहे हैं, टिश्यू बना रहे हैं, चाहे वो आपकी स्किन के टिश्यूज हों या किसी ऑर्गन के टिश्यूज हों, वो क्या फॉर्म कर रहे हैं, टिश्यूज। सेम एटम भी क्या है, एटम इज वेरी वेरी स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो हम नेकाई से नहीं देख सकते हैं। तो जब एटम क्या करेंगे, दे कंबाइन, अब कंबाइन करेंगे दे फॉर्म द मॉलिक्यूल्स, और ये मॉलिक्यूल्स फर्दर क्या फॉर्म करते हैं, ये मॉलिक्यूल फर्दर फॉर्म करते हैं एलिमेंट्स। और एलिमेंट्स जब एक दूसरे एलिमेंट्स कंबाइन करते हैं, जब एलिमेंट्स एक दूसरे से कंबाइन करते हैं, तो वो क्या फॉर्म करते हैं, कंपाउंड्स, ठीक है। तो इस तरह से एटम से कंपाउंड तक की क्या है, जर्नी है, ठीक। अब ये जो एलिमेंट्स हैं या एलिमेंट्स में जो एटम्स, हम अब बेसिकली बात करेंगे एटम्स और मॉलिक्यूल्स की। सो एलिमेंट इज कॉन्स्टिट्यूट ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स। तो एटम और मॉलिक्यूल्स की क्या होती हैं, प्रॉपर्टीज डिफरेंट डिफरेंट होती हैं, जिसके बिहाफ पर इनके फिजिकल, यू कैन से फिजिकल प्रॉपर्टीज भी क्या है, दूसरे से डिफरेंशिएट करती हैं, ठीक। अब इसके बिहाफ पर हमारे पास सबसे पहले आते हैं कि हाउ द एटम्स फॉर्म द, हाउ द एटम्स को हम कह सकते हैं, हाउ द मॉलिक्यूल्स फॉर्म द डिफरेंट टाइप ऑफ कंपाउंड, और हाउ द एलिमेंट्स फॉर्म द डिफरेंट टाइप ऑफ कंपाउंड। सो इन बिहाफ ऑफ दिस देर आर द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। सो देर इज अ लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। अब केमिकल कॉम्बिनेशन में एक्चुअली हमारे पास आते हैं 5 लॉस, लेकिन हमारे 9th क्लास के अकॉर्डिंग यू हैव टू स्टडी ओनली 2 लॉ, ठीक है।
पांच लॉ आते हैं इसमें, वैसे मैं आपको पांच लॉ बता देती हूँ. फर्स्ट आता है आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, देन देयर इज अ डेफिनेट प्रोपोर्शन, देन देयर इज अ मल्टीपल प्रोपोर्शन, देन देयर इज अ एवोगाड्रो लॉ, लॉ भी नहीं कहते, एवोगाड्रो हाइपोथेसिस होता है इसमें, ठीक है. एंड देन देयर इज अ वन गैसियस लॉ, फाइन. सो मैंने तो यहाँ पे सिर्फ चार ही लिखे हैं फिलहाल, बट हमें जो करने हैं दे आर द टू लॉज, दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन एंड लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन. सो फर्स्ट वी स्टार्ट विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. अब इंग्लिश तो सबकी अच्छी है, तो कंजर्वेशन ऑफ मास से सबको आइडिया तो लग ही गया होगा कि किसको कंजर्व कर रहे हैं, मास को, किसके एलिमेंट्स के या कंपाउंड्स के. अब इस लॉ को दिया किसने था, दिस इज गिवन बाय द एंटोनियो लेवोसियर. मे बी स्पेलिंग में थोड़ा मिस्टेक हो, बट इट्स ओके, ठीक है. तो एंटोनियो लेवोसियर ने क्या ऑब्जर्व करा, बट ही ऑब्जर्व कि उसने एक केमिकल रिएक्शन करा इन अ कंटेनर. अब कंटेनर में जो भी उसने केमिकल रिएक्शन किया हुआ, बट ही ऑब्जर्व कि जितना अमाउंट उसने रिएक्टेंट्स का डाला, उसे जो प्रोडक्ट मिले उनका भी अमाउंट बाय मास सेम था, ठीक है, उनका भी अमाउंट बाय मास सेम था. अब तो इसमें रिएक्टेंट्स क्या होते हैं, रिएक्टेंट मींस जो पार्टिसिपेट करेंगे द एलिमेंट्स और द कंपाउंड्स विच आर ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ दिस एरो, दे आर द रिएक्टेंट्स एंड आफ्टर रिएक्शन दे फॉर्म द प्रोडक्ट्स, ठीक. अब ये जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है इसका अब हम और थोड़ा सा डिटेल देखें. तो अगर मैं सिंपली एग्जांपल से बात करूं कि कोई भी ऐसा केमिकल रिएक्शन, कोई भी केमिकल रिएक्शन अगर हम किसी भी दो एलिमेंट्स को कंबाइन कर रहे हैं, जैसे कार्बन और ऑक्सीजन का रिएक्शन हो रहा है, तो कार्बन भी क्या है आपका एक एलिमेंट बोल लो, ऑक्सीजन भी क्या है एक एलिमेंट बोल लो, मॉलिक्यूल बोल लो, ठीक है. तो ये क्या है, जब ये रिएक्ट करते हैं दे फॉर्म द CO2. सो दिस पार्ट इज योर रिएक्टेंट पार्ट एंड दिस इज योर प्रोडक्ट पार्ट. ये तो हो गया केमिकल रिएक्शन. अब लेवोसियर क्या बोलता है कि जब केमिकल रिएक्शन के टाइम पे जितना अमाउंट हमने कार्बन और ऑक्सीजन का बाय देयर मास लिया, जब ये प्रोडक्ट फॉर्म हुआ आफ्टर केमिकल रिएक्शन, तो इनका मासेस और इनके मासेस क्या थे, सेम थे. यानी कि मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल्स टू मास ऑफ प्रोडक्ट. अब ये कैसे डिफाइन करा, अब उसने मासेस, अगर आपको अभी तो पहले आपको एटॉमिक नंबर लर्न करने पड़ेंगे. आफ्टर दिस टॉपिक आई विल गिव यू द वन चार्ट ऑफ एटॉमिक नंबर, तो आप जरा वो एटॉमिक नंबर लर्न करेंगे सब, और अपने उसे कॉपी में भी नोट डाउन करेंगे, ठीक है. सो अगेन आई एम राइटिंग कार्बन, ऑक्सीजन एंड CO2. अब कार्बन क्या है, एटॉमिक नंबर होता है इसका 6, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, क्योंकि ये मॉलिक्यूल है दो एटम से बना हुआ है, इसलिए हमने इसको 2 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई, ठीक है. उसके बाद ये है आपका CO2, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, ऑक्सीजन का 8, ठीक. अब मासिस की बात करें तो ये तो हो गए इनके एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मासेस. कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12, फाइन. अब ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16, ये तो था एटॉमिक नंबर, ठीक. अब एटॉमिक मास कितना होता है, 16 × 2, तो ये हो जाएगा आपका 32.
कार्बन 12 प्लस 32, ये कितना बैठा 44 ग्राम्स बाय मास। और यहाँ का अगर हम मास कैलकुलेट करें तो ये भी कितना आता है 12 प्लस 32 44 ग्राम। तो ये जो ग्राम ग्राम हम यहाँ लिख रहे हैं ये क्या शो कर रहा है कि कार्बन का जो एटॉमिक मास और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का जो एटॉमिक मास का सम होगा फ्रॉम द रिएक्टेंट साइड आफ्टर रिएक्शन व्हाट एवर द प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड द मासेस इज ऑलवेज कंजर्व्ड। हो गया ना कंजर्वेशन ऑफ मास, मतलब कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर कोई भी नई सब्सटेंस जब फॉर्म होती है केमिकल रिएक्शन के टाइम पे जो भी नई सब्सटेंस फॉर्म होती है इट इज ओनली फॉर्म बाय द रीअरेंजमेंट ऑफ द एलिमेंट्स। ऐसा तो नहीं था कि कार्बन और ऑक्सीजन जब रिएक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे मैग्नीशियम ने एंट्री कर ली, ऐसा तो नहीं था। कार्बन ऑक्सीजन है तो कार्बन ऑक्सीजन का ही कोई कंपाउंड फॉर्म होगा और जो मासेस रिएक्टेंट साइड में रहेंगे वही उस मास क्या होगा, मास ऑफ प्रोडक्ट भी क्या होगा, इक्वल होगा टू द मास ऑफ रिएक्टेंट। तो दिस इज द मास ऑफ कंजर्वेशन और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। एक हम और एग्जांपल करते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल इज कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, कैल्शियम का एटॉमिक मास होता है हमारे पास 40 प्लस कार्बन का एटॉमिक मास 12 प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 × 3। तो अब आप इसे प्लस करिए कितना आएगा, ये इट इज राउंड अबाउट 100 ग्राम्स। ठीक, अब रिएक्शन होगा जैसे ही कैल्शियम कार्बोनेट का रिएक्शन क्या होगा, हम इसको हीट ही कर देंगे, हीट करेंगे तो हीट में करने से क्या होगा, एक केमिकल रिएक्शन होगा, बॉन्ड टूटेंगे क्योंकि ये कंपाउंड है तो कंपाउंड टूट के ज्यादा से ज्यादा कोई कंपाउंड या एलिमेंट फॉर्म कर लेगा। तो ये फॉर्म करेगा कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि ये कार्बोनेट है, कार्बोनेट का कंपाउंड है तो ये क्या फॉर्म कर रहा है, CO2। अब यहाँ पे हम देखिए कैल्शियम 40 प्लस 16, कार्बन 12 प्लस 32, ये तो हो जाएगा 44 और ये हो जाएगा 56। तो जब हम इन्हें प्लस करेंगे दोनों को तो कितना हो जाएगा, 100 ग्राम्स। सो हैव यू सीन कि जो मास रिएक्टेंट साइड का था वही मास क्या आया है, प्रोडक्ट साइड का। सो दिस इज ऑल अबाउट द कंजर्वेशन ऑफ मास। सो व्हाट द कंजर्वेशन ऑफ मास से अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन दैट ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन द मास ऑफ रिएक्टेंट इज ऑलवेज इक्वल्स टू द मास ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म। राइट, now we come to our next law, that is law of definite proportion.